से राहुल जी का इंटरेक्शन रहा, तमाम द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे खिलाड़ी, क्योंकि हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है, उन सब ने ये राहुल जी को एक स्वर में कहा कि जो अभी मौजूदा सरकार है उसने जो खेल नीति लेके आके और खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का या बाधा डालने का काम किया है वो सही नहीं है, क्योंकि मात्र पहले हर महकमे में भर्ती होती थी, मात्र 3 महकमों में भर्ती हो रही है। 3% जो कोटा था वो खत्म हो गया, क्लास वन क्लास टू का कोटा खत्म हो गया, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का पदक लाओ पद पाओ की जो नीति थी वो खंडित कर दी गई। तो हरियाणा ये सब जो कार्य हुए थे हरियाणा में, स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप स्कूल के स्कूल में, स्टेडियम्स और ये जो एक स्पोर्ट्स की रिक्रूटमेंट, इसकी वजह से हरियाणा तैयार हुआ था। अब हरियाणा जो है स्पोर्ट्स के मामले में जो वो नीतियाँ थी, वो जो नींव रखी गई थी, उससे फल तो ले रहा है लेकिन अपनी जड़ों खोखला कर रहा है। आने वाले समय में अगर ये नीतियाँ रही सरकार की, मौजूदा सरकार खट्टर सरकार की, तो बड़ा नुकसान होगा देश का, क्योंकि ये जो मेडल लेके आते हैं, तिरंगा ऊंचा होता है, देश का ऊंचा होता है, उसमें कोई प्रदेश की बात नहीं है। तो ये सारी बातें रखी राहुल जी, क्या कि राहुल जी ने कहा कि इन सब बातों को वो उठाने का काम करेंगे, और जब हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी तो जो जो हुड्डा सरकार के समय जो पदक लाओ पद पायो की नीति थी, उस नीति को दोबारा लाने का काम करें। कितने का, कौन से क्षेत्रों से खिलाड़ी आए? हर लगभग जिले से थे, आप उनकी लिस्ट आप ले सकते हैं, मीडिया में देंगे। और आखिरी प्रश्न है, भारत जोड़ो यात्रा आपके एरिया में कैसा रिस्पांस मिला? बहुत जबरदस्त रिस्पांस है।